जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़। राजौरी में आतंकियों की तलाश को अतिरिक्त सुरक्षा बल बुलाए गए। नफरत फैलाने वाले भाषण की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। राजस्थान में 20 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर, 6 जिलों के एसपी बदले गए। स्लोवाकिया ने रूस पर लगाया चुनाव में हस्तक्षेप का आरोप, दूतावास को किया तलब। लखनऊ में अतीक अहमद हत्याकांड पर कोर्ट में आज सुनवाई। ब्राजील में गर्मी का प्रकोप, अमेजन नदी में एक हफ्ते में 120 डॉल्फिन की मौत। मालेगांव विस्फोट मामले में आज एनआईए की स्पेशल कोर्ट में पेश होंगी सांसद प्रज्ञा ठाकुर। पश्चिम बंगाल में बाढ़ का खतरा, सरकार ने 7 जिलों में जारी की चेतावनी। वेस्ट यूपी अलग राज्य बना तो मिनी पाकिस्तान बन जाएगा, बोले बीजेपी नेता संगीत सोम। जम्मू कश्मीर के कालाकोटे इलाके में सेना ने चलाया संयुक्त ऑपरेशन, आतंकियों की तलाश तेज। जातिगत जनगणना रिपोर्ट जारी होने के बाद आज नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में देर रात भिड़े छात्रों के 2 गुट, फायरिंग में 3 लोग घायल। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में न्यूज क्लिक के कर्मचारियों के ठिकानों पर पुलिस की रेड। न्यूज क्लिक के पत्रकारों पर छापे के बाद बोले अभिषार शर्मा, पुलिस ने ले लिया मेरा लैपटॉप। न्यूज क्लिक के पत्रकारों पर रेड के बीच स्पेशल सेल ने कुछ लोगों को लिया हिरासत में। एशियन गेम्स में नेपाल की पुरुष क्रिकेट टीम को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। नेपाल के खिलाफ भारत ने 23 रन से जीता पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला। जिम्बाब्वे में विमान हादसे में भारतीय अरबपति हरपाल रंधावा और उसके बेटे की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 24 मौतें, किसकी गलती, कांग्रेस का भाजपा पर हमला।